करनाल के दो बड़े व्यापारियों को हनी ट्रैप में फंसाकर 1 करोड़ रुपए की मांग करने वाले गैंग के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने व्यापारियों से रुपयों की सेकंड खेप लेते हुए रंगे हाथों काबू किया है। पकड़े गए गैंग के लोगों से 13 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। व्यापारियों से 20 लाख रुपए पहले लेने के बाद वह व्यापारियों को हनी ट्रैप के झूठे मामले में फंसाकर मामला दर्ज कराने की धमकी दे रहे थे। पकड़े गए गैंग के लोगों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड हासिल की है। कल मुझे करनाल के 2 व्यापारी मिले थे। उन्होंने बताया कि हम एक षड्यंत्र में फंस चुके हैं। 1 करोड़ रुपए हमसे मांगा जा रहा है, 20 लाख रुपए हम दे चुके हैं और इतने पैसों का क्योंकि इंतजाम करना अब हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमारी सहायता करो। हमने तुरंत सीनियर अधिकारियों से बात की और उनकी कंप्लेंट पे मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने बताया कि आज फिर सेकेंड खेप लेने के लिए 13 लाख रुपए लेने के लिए वो लोग आए हुए हैं और हमने फिर उनके साथ जाके कल्पना चावला हॉस्पिटल में उन्होंने पार्किंग में अपनी जगह नियत की हुई थी जो पहले से ही, तो 13 लाख रुपए के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों व्यापारियों ने बताया कि वो जब भी आते हैं असला लेके आते हैं और ये कहते हैं कि या तो मुकदमा दर्ज करेंगे नहीं तो तुम्हें गोली मारेंगे क्योंकि तुमने गलत काम किया लड़की के साथ, और ये दोनों डरे हुए थे। 1 करोड़ रुपए की मांग की थी इन्होंने, 20 लाख दे चुके हैं, 13 लाख हमने और बकाया थे। बैकग्राउंड इस लड़के ने जो बताया है, जो सत्यवान लड़का है जो व्यापारी का ड्राइवर था और उसी ने उस लड़की को उसका नंबर दिया था व्यापारी का, इसने बताया कि वो लड़की इसी तरह के काम में इन्वॉल्व थी इसलिए इसने उसकी सहायता ली। 2 दिन के पुलिस रिमांड पे हैं, जल्दी इस दौरान ही उस महिला को और उसके नाना को काबू कर लिया। 2 लोगों को हमने मौका से गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज है, पुलिस रिमांड पे इनको ले लिया है और बाकी की रिकवरी की जाएगी जो 20 लाख है। आज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।